अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम बात करेंगे हम करेला या करेले देखने की मुख्तलिफ़ सूरतें और इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरों के बारे में। हम करेले का सालन खाना, करेले खाने में अच्छे हों, रिजक में बरकत होने, राहत और सुकून पाने की अलामत है। बीमार इंसान यही ख्वाब देखे सेहत याब होने की अलामत है। कोई ख्वाब देखे इसके दोस्त ने इसको करेले दिए हैं जो देखने में अच्छे हैं, दोस्त की तरफ से भलाई पहुंचने की अलामत है। ख्वाब घर से ख़राब करेले बाहर फेंकना परेशानी दूर होने, मुसीबत दूर होने की अलामत है। बीमार इंसान यही ख्वाब देखे सेहत याब होने की अलामत है। ख्वाब में ख़राब करेले घर लाना परेशान होने, मुसीबत में गिरफ्तार होने की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे, दुआ करे और अपनी ताकत के मुताबिक सदका दे। सदका मुसीबतों को टाल देता है और दुआ से तकदीर बदल जाती है। ख्वाब में करेला बोना, अगर ख्वाब देखने वाला कुआरा या कुआरी है शादी होने की अलामत है। शादीशुदा यही ख्वाब देखे दलील है इसके हाँ सेहतमंद औलाद पैदा होगी और मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफा होने की अलामत है। हामला लड़की हाँ में देखे करेले खरीद रही है इसके हाँ बेटा पैदा होने की अलामत है। बीमार इंसान यही ख्वाब देखे बीमारी से निजात पाने की अलामत है। हाँ में करेले लोगों में बांटना जो देखने में अच्छे हों दलील है सब ख्वाब लोगों का हैर हुआ होगा। हाँ में ताज़ा करेले देखना कारोबार में तरक्की होने, खुशी मिलने, औलाद होने, रिजक में इजाफा होने की अलामत है। हाँ में ख़राब करेले देखना परेशान होने, गम उठाने, नुकसान होने की अलामत है। हाँ में करेलों का खेत हरा भरा देखना औलाद में इजाफा होने, मालो दौलत में इजाफा होने और रामो राहत से ज़िंदगी गुजारने की अलामत है। हामला लड़की का शोहर हाँ में देखे खेतों से करेला तोड़ रहा है दलील है इसके हाँ बेटा पैदा होगा।